अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। दिस साइकोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 4 रवैया और तासुब। पिछले सेशन में हमने तासुब के मानी और तासुब की हैयत के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है तासुब में तख़फीफ करने के तरीके। तफकीफ़ का मीनिंग होता है कमी, यानी कि हम तासुब में किस तरह कमी को कमी कर सकते हैं, उसके तरीक़ों के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। तासुब की तारीफ हैयत हम देख चुके हैं। तासुबात मनफी रुझान और हिजानी हमरा अमल के हमरा मंसूब है, ये भी हम जान चुके हैं। यानी कि तासुबात समाज के लिए पुरखतर है, ख़तरनाक है। जिसके तासुबात जितने शदीद और शिद्दत से बढ़ते जाते हैं, वो समाज के मुस्तकबिल के लिए मनफी असरात पैदा कर सकते हैं, जो समाजी अमन को जोखम में डालकर अफसुर्दगी पैदा करते हैं। इसीलिए उनसे निजात पाने की कोशिश करना नागजीर है। तासुबात में से मुकम्मल तौर पर निजात तो हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सकता है या फिर उसको कम किया जा सकता है। तो तासुबात की तख़फीफ़ करने के लिए हम उसके मुख्तलिफ तरीक़ों के मुतालिक फहमाइशें हासिल करेंगे, जिसमें पहला है समाजियत। समाजियत की मीनिंग हम जानते हैं। तासुबात के साइकोलॉजी में हम समाजियत के मीनिंग देखते हैं। तासुबात समाजियत के अमल के ज़रिए कुंबा, समाज, मजहब, ज़ात, जमात जैसे ग्रुप के ज़रिए हासिल होते हैं। यानी समाज ये तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुंबा, समाज, मजहब, ज़ात वगैरह तमाम चीज़ों से जुड़कर समाजियत बनता है। जिस तरह गलत, नामुनासिब, नामुकम्मल, अधूरी मालूमात की वजह से तासुबात की तश्कील होती है, उसी तरह समाज में भी समाजी तश्कील में भी कुंबा, स्कूल, समाज, तहजीब के ज़रिए तासुब सही फहम मालूमात को सबूत के हमरा पेश करके तासुब की बतजरी तफकीफ़ की जा सकती है। भारतीय तहजीब में पहले ज़ात पात रिवायत से बनी बैन जमाती शादी होना बमुश्किल पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, इसके नज़रिए में तब्दीली होती गई और अब बैन जमाती शादी को तस्लीम करने के रुझान में इजाफा होता गया और तासुब में कमी की निशानदेही करता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, बैन ग्रो ताल्लुक, जिसे गुजराती में कहते हैं आंतर सूज संपर्क। तासुबात फ़र्द फर्द के बीच न रहते हुए पूरे ग्रोह में फैल जाते हैं। हमने पहले भी इसके मुतालिक फहमाइश हासिल की कि तासुब सिर्फ फ़र्द तक के मुकम्मल नहीं रहते, बल्कि वो पूरे ग्रोह में फैल जाते हैं। इसी सूरत हाल में दो मुखालिफ ग्रोह के दरमियान बहामी तामुल की तख़फीफ़ होती है और तासुबात पुख्ता हो जाते हैं। जिन दो ग्रोह की कौम, मजहब, ज़ात, सोबा, मुल्क, ज़बान के लोगों में दिगर लोगों की जानिब तासुबात की तख़फीफ़ करने के लिए उनके बहामी ग्रोह ताल्लुकात में इजाफ़ा करना चाहिए। जिन फ़र्द की वजह से, जिन ग्रोह की वजह से तासुबात पैदा हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार कर गलतफहमियों को दूर करके बहामी ताल्लुकात जोड़ने के बाद ही हम तासुबात में कमी कर सकते हैं। उनके दरमियान बाहमी तौर पर तबादला ख्याल, तामुल हो, ऐसी कोशिश और सरगर्मी का इनेकाद करना चाहिए, ताकि एक दूसरे के मुखालिफ जो एहसास बढ़े हों तो मुस्बित एहसास पैदा हो, नेज़ मालूमात हासिल हो, तो तासुब दूर किए जा सकते हैं। एहसास आमेज़ और महज जहनी कोशिशों करने के बजाय, शक व शैबा के बजाय, एतमाद खौफ के बजाय पुरएतमाद इंसानी ताल्लुकात और नफ़रत या नज़रअंदाजी के बजाय हम शफक्कत इजहार में इजाफ़ा हो, ऐसे मुस्बित तजुर्बात हो, तो खुद ब खुद दो मुखालिफ
گروہ کے درمیان تعلقات سے تعصبات کو کم کیے جا سکتے ہیں۔ جو بھی نگیٹو خیالات ہیں، منفی رویے ہیں، ان کے بدلے میں ہم مثبت باتیں، مثبت خیالات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم ان کے تعلقات کے درمیان تعصبات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہم دیکھتے ہیں طریقہ ہے کنبہ، اسکول میں تعلیم تنظیم نو۔ انسانی طفل کی زندگی میں تعلیم کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے خاندان، یعنی کہ کنبہ۔ انسان خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس کا پہلا مدرسہ اس کا گھر، اس کی ماں ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ سماج میں زندگی گزارنے کے لیے قابل بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا مقام ہوتا ہے اسکول۔ اچھی بری باتیں سب سے پہلے وہ اپنے کنبے اور اپنے خاندان سے ہی سیکھتا ہے۔ اس کا دوسرا مقام ہوتا ہے اسکول۔ کنبے اور اسکول میں سے بچہ زندگی کے کئی سبق سیکھتا ہے۔ ان دونوں علاقوں میں تعصبات نابود کرنے کے لیے با مقصد تعلیم یا تعلیم کے طریقے میں تبدیلی کرائی جائے تو تعلیم کی تنظیم نو سے بچوں میں تعصبات پیدا ہوتے ہوئے روکے جا سکتے ہیں یا پھر کم کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اسکول میں صحیح معنوں میں اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے اور ترغیب فراہم کی جائے، تو سماجی خدمات کی سرگرمی بھی شامل کی جائے، تو مذہب برادری کی جانب تعصبات کم ہوتے ہیں۔ کنبے میں ماں باپ اپنے عقائد سے بچوں کو تھوپنے کے بجائے آزادانہ طور پر فیصلہ کرنا سکھائے، تو بچوں کی حاصل کیے ہوئے تعصبات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خاندان اور اسکول اپنے تعصبات کو کم کرنے کے لیے، اس میں کمی واقع کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر انہوں کے ذریعے ہمیں صحیح تعلیم دی جائے تو بچوں کے اندر ہم تعصبات کو کم کر سکتے ہیں۔ اب پچھلے سیشن میں ہم تخفیف کرنے کے باقی کے طریقوں کے متعلق فہمائشیں حاصل کریں گے۔